हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए फ्रेंड्स, मैंने थर्मोकोल लिया है और शिवलिंग के आकार में मैंने थर्मोकोल को साइड से कट कर लिया है। और ये देखिए, फेविकॉल के हेल्प से मैं इसके साइड के बॉर्डर को बना रही हूँ और ये बनके रेडी हो जाएगा। और उसके बाद में मैं लूँगी एक पतला सा पाइप, और पानी का जो पाइप होता है, और इस पाइप के ऊपर मैं कपड़ा लपेट दूँगी, कोई भी कपड़ा जो घर में अवेलेबल हो। और इस तरीके से सांप का शेप दूंगी मैं, और अंदर से मैं तार लगा दूंगी पूरे ऊपर तक, ताकि जैसे हम लोग बैंड करना चाहें वैसा बैंड हो जाए। और ये देखिए, ये रेडी हो गया है और इसको अब मैं पेंट कर लूंगी सांप के कलर में। और ये देखिए, थर्मोकोल पे मैं ब्लैक कलर से पूरा पेंट कर लूंगी। और उसके बाद में मैंने एक लिया हुआ है खाली डब्बा, और उसके अंदर घर में जितनी कतरन थी उसके अंदर मैंने भर दिया है। और उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड का छोटा गोल लिया है और मिट्टी से इसके ऊपर मैं पूरा कवर कर लूँगी, और कवर करते हुए पूरे डब्बे के आसपास मिट्टी लगा दूँगी। और इसको देखिए, गीले हाथों से इसको चिकना करते हुए शिवलिंग का शेप दे दूँगी। और अब मैं इसको सूखने के लिए रख दूँगी, और उसके बाद में अब कार्डबोर्ड पे त्रिशूल का शेप बना के इसको कट कर लूँगी। और ये देखिए, ये त्रिशूल को मैंने बना लिया है और इसको मैं कट कर लूँगी। और इसके बीच में मैं पतला सा तार लगाऊंगी ताकि ये खड़ा रहे, और उसके बाद में मैं इस पर गोल्डन कलर का लेस लगा लूँगी। पेंट भी कर सकते हैं इसको। ये देखिए, मैंने तार अंदर लगा दिया है और इस तरीके से ये खड़ा रहेगा फिर आराम से। ये देखिए फ्रेंड्स, मिट्टी के शिवजी शिव श्रृंगार के लिए रेडी हो गए हैं। और अब मैं ब्रश और चंदन के हेल्प से इनके सर का तिलक बना दूंगी। तो ये देखिए, तैयार है मेरे शिव जी। पंडित जी आ गए हैं और ये मेरी पूरी तैयारी हो गई है रुद्राभिषेक की। तो चलिए रुद्राभिषेक करते हैं हम लोग। तीन बार जल गिरा दीजिए। हस्त प्रक्षालयम् मुख प्रक्षालयम् शुद्धार्जुनीयम् उत्तरार्पणम्।